अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी बजिया और आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूं कोयला कढ़ाई। तो चलें शुरू करते हैं। कोयला का कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। ये 1 किलो के आसपास जो है चिकन ली है मैंने, इसे अच्छी तरह धो लिया है। ये 1/2 कप दही है। ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये कुटी हुई काली मिर्च, ये कसूरी मेथी है, एक कुटी हुई काली मिर्चें हैं और ये ड्राई मसाला जाते हैं। इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून जो है वो मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है। ये 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर है। ये 1 टीस्पून नमक है और ये 1 टीस्पून जो है मैंने चिकन पाउडर लिया है। और ये 6-7 जो है मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं और 5-6 गोल मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। मैं इसको ऊपर से बघार लगाऊंगी। और ये 1/2 कप जो है वो तेल है और ये कोयला है। और ये मैंने 3 लार्ज साइज़ के टमाटर लेके इन्हें काट लिया था मोटा मोटा और थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें पका लिया, अच्छी तरह से मैश करके रख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तेल में। थोड़ा सा ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये भुन जाए तो फिर इसमें मैं चिकन डालूंगी। अच्छा, कढ़ाई बनाने के लिए जो है तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, चिकन फ्राई करनी होती है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करना चाहें तो बाद में तैयार होने के बाद इसे निकाल लीजिए, तो बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। 1 मिनट फ्राई करेंगे तो आगे से चिकन डाल देंगे। चिकन को सॉफ्ट तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये तेल ना छोड़ दे। ये चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है लहसुन और अदरक के साथ जो है बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गई है, इसका तेल सारा ऊपर आ गया है। अब मैं ये जो टमाटर प्यूरी बना के रखी थी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये होगा, ये ज़्यादा से टमाटर सारे पक्के हुए हैं, ज़्यादा भूनना भी नहीं पड़ेगा इसमें, पहले से ही वो हो गए। अब ये सारे ड्राई मसाले मैं इसमें डालूंगी। अब मैं इसमें ये दही डाल रही हूँ और ये दही के पानी में ही जो है चिकन में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है कसर वो गल जाएगा। वो बस अब इसे कवर करके 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच में चेक करती रहूँगी, फ्लेम जो है मैं लो कर रही हूँ ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह गल जाए। चलें फिर मिलते हैं 5-6 मिनट के बाद।
ये हमारी कढ़ाई जो है भुन गई है, तैयार हो गई है तकरीबन। अब मैं इसमें ये कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून। ये कसूरी मेथी है, और ये थोड़ी सी अदरक, और इस पर जो है हम इसे हल्की आंच करके दम पर रखेंगे, और इस पर जो है मैं तड़का लगाऊंगी। ये देखिए बहुत ज़रा सा इसमें मैंने तेल डाला है, एक टेबल स्पून के करीब। इसमें ये कड़ी पत्ता और ज़ीरा वगैरह डाल के थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता और ज़ीरा चटक जाए, और ये चार पांच मिर्चें हैं, सिर्फ खुशबू देनी है। ये देखें चटकना शुरू हो गया। और क्योंकि ये कोयला कढ़ाई है तो थोड़ा सा इसमें स्मोकी फ्लेवर आना चाहिए, तो इसके लिए हम दो तीन चले थी, हमारी कढ़ाई कोयला कढ़ाई तैयार हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। खुशबू है तो बड़ी अच्छी अच्छी सी आ रही है, जायका भी अच्छा ही होगा। चले ये देखें कोयला कढ़ाई तैयार है। अब आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मुझे कि आपकी कढ़ाई कैसी लगी, कैसे तैयार हुई है। और अब अपनी बचिया को जो है इजाज़त दीजिए। मैंने इससे पहले जो है अचारी कढ़ाई बनाई थी, वो शायद आप लोगों ने देखी हो, मैं उसका लिंक जो है आई बटन में डाल दूँगी, आप उसको भी तैयार कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और आप प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा काम कर रही हूँ, पसंद किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। तो चलिए हम अपनी बच्चों को इजाज़त दीजिए अगली डिश तक के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।